नमस्कार, मैं विकास, लो कॉस्ट एडवांस फिश फार्मिंग चैनल में आपका स्वागत है। मैं एक एक्सपोजी हूँ। पिछले कुछ दिन से मैं फिश फार्मिंग के ऊपर कुछ वीडियो डाल रहा हूँ और इसका रिस्पॉन्स भी आप लोगों से बहुत अच्छा मिल रहा है, इसके लिए सबको धन्यवाद। आज मैं आप लोगों के लिए एक अच्छा सा एक टॉपिक लाया हूँ, वो तालाब में फ्लॉक के ऊपर, बायो फ्लॉक। एक्चुअली आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है बायो फ्लॉक। पहले हम ये मतलब तालाब में बायो फ्लॉक हो सकता है क्या, या सिर्फ उसको टैंक में हो सकता है? तो इसके लिए आपको बायो फ्लॉक के बारे में जानना जरूरी है, मतलब बायो फ्लॉक है क्या चीज, और बायो फ्लॉक कैसे क्रिएट होता है। बायो फ्लॉक कुछ नहीं है, एक कॉलोनी फॉर्म है हेटरोटॉफी बैक्टीरिया का। वो जो मछली वगैरह खाना खाते हैं, वो खाना खाने के बाद वो जो फेकल मैटर वो निकलता है, जो उसका वेस्टेज वो खुद तालाब में छोड़ते हैं, उससे नाइट्रोजन मतलब तालाब में अंदर नाइट्रोजन ज्यादा बढ़ जाता है, उससे अमोनिया गैस वगैरह वेराइटी स्टाप के नाइट्रेट गैस पैदा होता है जो मछली के लिए हानिकारक है। तो आप बायो फ्लॉक तालाब में भी कर सकते हो, वो बिल्कुल आसान तरीका है, चीज एक ही है। कोई कोई बायो फ्लॉक आज नया कोई चीज नहीं है, वो अलग से निकल के एक टैंक में बनाया गया, इसलिए उसको बायो फ्लॉक नाम दिया गया। पहले से बहुत जमाना पहले से भी बायो फ्लॉक तालाब में होता रह रहा है। किसी आदमी को पता लगता है हाँ मेरे तालाब में बायो फ्लॉक हो रहा है, और किसी को समझ में नहीं आता होगा मेरे में फ्लॉक हो रहा है, बट फ्लॉक तालाब में भी पहले से होता था। अभी टाइम आ गया है कि हमें उसको इंक्रीज करना है और तालाब को बिल्कुल अमोनिया फ्री रखना है, इसलिए फ्लॉक तैयार करना बहुत जरूरी है। एक तो फ्लॉक तैयार करने से हमें खाने का जो हम खाना बाहर से खाना देते वो भी कम हो जाएगा, तालाब बिल्कुल हमारा अमोनिया फ्री हो जाएगा, और मछली को जो हम ज्यादा से ज्यादा हाई डेंसिटी में रख पाएंगे और मछली का अच्छे से अच्छा हम ग्रोथ ले पाएंगे। इसलिए फ्लॉक को कैसे करके हम क्रिएशन मतलब तैयार करें तालाब के अंदर, एक्चुअली फ्लॉक तैयार करने के लिए कुछ चीज के लिए जरूरी है। एक तो जो तालाब के लिए अंदर नाइट्रोजन जरूरत है, जो नाइट्रोजन हम लोग फूड वेस्ट है या मछली जो वेस्ट निकालता है उससे भी, जो हम लोग कंपोस्ट वगैरह डालते हैं उससे भी कुछ गैसेस वगैरह पैदा होता है, नाइट्रोजन पैदा होता है, तो ये सारी चीजें नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन ऑटोमेटिकली हमें तालाब में मिल जाता है। और दूसरी बात आ गया ऑक्सीजन। अभी ऑक्सीजन के लिए जैसे मेरा तालाब बड़ा है तो एक नेचुरल एरिएशन ऑटोमेटिकली तालाब में चल ही रहा है, कंटिन्यू ऑक्सीजन एरिएट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर एरिएशन की इतना जरूरी नहीं पड़ता। अभी थोड़ा मछली कम है, कुछ दिन बाद जब मछली का डेंसिटी बढ़ जाएगा, बायोमास बढ़ जाएगा, तब भी इसमें भी मैं एरिएशन यूज करता हूँ, तब भी इसमें ऐसे एरिएशन इस्तेमाल मैं करके दिखाऊंगा कैसे करके मैं यहाँ पर ऐसी इस्तेमाल करता हूँ। वो भी जो भी एरिएशन में इस्तेमाल करता हूँ, खुद मैंने अपने हाथ से बनाया हुआ एरिएटर है मेरा, और मैं वेंचुरी एरिएटर में यूज करता हूँ, और मैं खुद उसका वेंचुरी मैंने बनाया है, उसी को आप लोगों को बाद में एक वीडियो में मैं वहाँ दिखाऊंगा। तो जो चीज मैं बताने वाला था फ्लॉक, तो और एक चाहिए आपको सोर्स ऑफ कार्बन। कार्बन सोर्स आपको तालाब में होना चाहिए, और तालाब में ऐसे ही नेचुरली पीएच भी तो है, उसके लिए चूना वगैरह है तालाब में। हमारे पास जो टीडीएस वगैरह ऐसे ही नॉर्मली जितना रिक्वायरमेंट है, तो आपको सिर्फ तालाब के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन डालना है। अभी ऑर्गेनिक कार्बन का सोर्स क्या क्या है? ऑर्गेनिक कार्बन का सोर्स हमारे लिए सबसे बेटर सोर्स है मोलासिस, जिसको हम नॉर्मली गुड़ भी बोल सकते हैं। गुड़ एक अच्छा मतलब ऑर्गेनिक कार्बन का सोर्स है। तो हर महीना अगर हम तालाब में 50 ग्राम पर डेसीमेल अगर हम गुड़ का प्रयोग करें, तो गुड़ से प्रयोग करने से क्या होता है, एक तो वो नीचे जाके बॉटम में स्टेबल करता है, बॉटम में जो फेकल मैटर वगैरह गैस वगैरह है और बाहर से जो ऑक्सीजन मिल रहा है उससे फ्लॉक पैदा करता है। इसलिए तालाब के अंदर ऑक्सीजन का कॉमिक मतलब सॉरी ऑक्सीजन मतलब अमोनिया फ्री भी हो जाता है, गैस भी कम हो जाता है, और हमें तालाब के लिए एक्स्ट्रा खाना भी क्रिएट हो रहे हैं। मतलब आजकल अमोनिया कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो अमोनिया पहले मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ करता था, यार अमोनिया टॉक्सिसिटी हो जाएगा, मेरा मछली पूरा खत्म हो जाएगा, ऐसे कुछ नहीं। अमोनिया टॉक्सिसिटी की कोई चांसेस ही नहीं रहेगा। आप अगर कंटिन्यू तालाब के अंदर मोलासिस या ऑर्गेनिक कार्बन
किसी भी तरीके से आप अगर ऐड कर रहे हो तो आपको तालाब के अंदर कोई गैसेस का कोई टेंशन ही नहीं है। और दूसरी बात, वो आपका फ्लॉग में कन्वर्ट होता है। और अभी आप सोचोगे जो फ्लॉग कन्वर्ट होने के लिए, हाँ ये भी बात मैंने बोलना भूल गया, फ्लॉग कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए, एक टाइप का बैक्टीरिया चाहिए, हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। अभी आप सोचोगे जो हम लोग टैंक वगैरह में तो दुनिया क्या बोलते हैं प्रोबायोटिक बाहर से खरीद के लाते हैं, अब बाहर से खरीद के डालते हैं, तो हमें तालाब में भी डालने की जरूरत ही नहीं। देखिए सर, हर बैक्टीरिया इन्वायरमेंट खुद तैयार करता है, इसके लिए आपको कोई बाहर से मतलब प्रोबायोटिक खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर बायोफ्लॉग का जो इन्वेंटर है उनसे आप बात करेंगे, वो बाद में भी यही बताया था, जो फ्लॉग तैयार करने के लिए मुझे कोई प्रोबायोटिक की जरूरत नहीं है। अगर ठीक माप में मतलब गुड़ और आप अगर TDS वगैरह से मेंटेन करके रखते हो तो, और एरिएशन सही देते हो और, तो ऑटोमेटिकली फ्लॉग क्रिएट होगा। तो इसलिए आप तालाब में कोई एक्स्ट्रा प्रोबायोटिक की जरूरत नहीं है। जो बेसिलस फैमिलीज का बैक्टीरिया है ऑटोमेटिकली ये तालाब के अंदर है, तो आपको सिर्फ गुड़ देना है, वो ऑटोमेटिकली वो करेगा। तो एक्स्ट्रा आपको बाहर से कुछ खरीदने की जरूरत नहीं। कोई आदमी बोलेगा नहीं मैं डाल देता हूँ बेसिलस प्रोबायोटिक जिससे मेरा फ्लॉग अच्छा क्रिएट होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आप पैसे का फालतू वेस्ट करोगे। हो सकता है छोटा मोटा तालाब है तो वहां पर हमने थोड़ा बहुत प्रोबायोटिक इस्तेमाल कर लिया तो अलग बात है, लेकिन ऐसे नॉर्मली जरूरत नहीं पड़ता आपको प्रोबायोटिक के लिए। तो आप तालाब के अंदर पर डेसिमल 50 ग्राम करके मोलासिस आप पर महीने ऐड करें, और जो एमोनिया वगैरह है उससे आप खाने में कन्वर्ट करें। इससे बहुत फायदा आपको हो रहा है, आपको खाने का कॉस्टिंग बढ़ रहा है, सॉरी खाने का कॉस्टिंग कम हो रहा है, आपका मछली का ग्रो हो रहा है, क्योंकि वो खुद कॉलोनी फॉर्म करेगा, वो मछली खुद खाना खाता है, बहुत प्यार से खाता है। तो इसी कारण से आप मतलब एमोनिया आजकल कोई टेंशन नहीं है। और एक चीज है, ऑर्गेनिक कार्बन हम दूसरे तरीके से भी दे सकते हैं इसको। इसके एक चीज है राख, जो एस को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं तालाब के अंदर गैस निर्मूलन कर लेंगे, जो गैसेस वगैरह और भी आदर्श गैसेस है उसको भी खत्म करने के लिए कोई हमें कोई एक्स्ट्रा कोई चीज डालने की कोई जरूरत नहीं है। जो एस फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा चारों साइड में मिलता रहता है, उसको हम पर डेसिमल एक किलो, पर डेसिमल एक किलो एक महीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या क्या फायदा मैं आपको बताता हूँ। एक तो एस के अंदर काफी सारा न्यूट्रिशन है, जो पानी में गिरते ही पानी से वो निकलता है और पानी में वो घुल जाता है। पानी में घुलने के कारण क्या होता है, पानी का प्लैंकटन रेज होने का क्षमता और बढ़ जाता है। एक तो पानी फर्टिलाइजर हो गया, दूसरी बात उससे भी काफी हद तक ऑर्गेनिक कार्बन मिलता है। वो ऑर्गेनिक कार्बन में हमें गैस मतलब एमोनिया वगैरह नाइट्रोजन जो गैसेस है तो उनसे फ्लॉक बनाने में भी हेल्प करेगा। और तीसरी बात, कुछ कुछ तालाब का कैसे हो रहा है मतलब पानी रुकता नहीं है। मैं अगर राख व एस अगर इस्तेमाल करूं तो बिल्कुल बारीकी से होने से वो तालाब के नीचे स्टेबल करेगा। स्टेबल करने से जो छोटा छोटा जमीन के नीचे सुराग है जिससे पानी निकल जाता है वो भी आपको बंद करेगा। इससे क्या होगा, आपका तालाब के अंदर जो पानी धारण क्षमता वो भी इंक्रीज होगा। इसलिए सबसे बेहतरीन उपाय है आप राख वगैरह जो एक जगह लाइए, उसके ऊपर 50 ग्राम करके 5 डेसिमल के हिसाब से जो गुड़ जितना गुड़ हो रहा है ऐसा गुड़ को एक साथ मिक्सचर कर लीजिए और उसे छोटा छोटा गुड़ मैंने गोल गोल बॉल टाइप का बना के पूरा तालाब में छिड़क दीजिए। इससे क्या होगा, दोनों के दोनों काम एक साथ, जो मतलब एस राख का और जो गुड़ का आप अगर मिश्रण करके जो गोल बॉल बना के अगर पूरे तालाब में छिड़क देते तो आपको दोनों का मिक्स आ जाए। एक तो फ्लॉग भी क्रिएट होगा तालाब के अंदर, जो भी एक्स्ट्रा और भी दूसरे टाइप का कोई गैसेस होगा वो भी खत्म होगा तालाब के अंदर। न्यूट्रिशन मतलब फर्टिलाइजर भी पानी मतलब पानी फर्टिलाइजर भी हो जाएगा। इससे आपका खाना कम हो रहा है क्योंकि जो फ्लॉग के अंदर जो कॉलोनी फॉर्म होकर जो खाना बनता है वो बहुत प्रोटीन अच्छा गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है, जो मछली है बड़े आराम से मतलब प्यार से खाते हैं। इससे उसका प्रोटीन का जो रिक्वायरमेंट है मछली का वो भी थोड़ा लो कॉस्ट में आपका पूरा हो रहा है। इसलिए कोशिश करना, जो चीज़ बता रहा हूँ सर वो कोशिश करके देखिए, और मैं 100% श्योर
जो आप लोगों को बहुत उसको मतलब पसंद भी आएगा, आपको बहुत ज्यादा आपको फायदा देगा। दूसरा कोई चीज डालने के लिए जरूरत नहीं है सर, गैस खत्म करने के लिए कप और कोई बोलता है सोयल प्रोबायोटिक डालो, ये डालो वो डालो, कुछ नहीं होने। और भी काफी तरीके से प्रोबायोटिक है जो जरूरत पड़ता है, हमें आगे भी डिस्कशन करूंगा, जो नेचुरली हमें मिल सकता है। जो प्रोबायोटिक डालना है ना सर, प्रोबायोटिक हम भी डालते हैं, लेकिन जो हमें मैं देखता हूँ जो चीज हमें इजीली अवेलेबल है और सेम चीज अगर मैं दे सकता हूँ दूसरे तरीके से, तो मैं इसको क्यों ना करूँ। इसलिए कोशिश मैं करूंगा सर, आने वाला कुछ वीडियो में मैं थोड़ा प्रोबायोटिक के बारे में बात करूंगा, तो तला में कौन सा प्रोबायोटिक यूज कर सकते हैं और तला में कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, मतलब किस टाइप का क्या डालने से तालाब का फर्टिलाइजर रेट बढ़ जाए, हमारा एफसीआर कम हो जाए, हमारा मैक्सिमम हमें प्रॉफिट मिले। मेरे वीडियो को अगर अच्छा लगे तो बिल्कुल कमेंट और शेयर करना, और अगर कुछ नया टाइप का कुछ चीज़ जानने की जरूरत है तो पक्का सर इसमें कमेंट करना। जय हिंद।